सबसे पहले आप। और विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए चुनाव के दौरान हमारे सामने सवाल लाया जाता था कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा के छोड़ का नहीं बदे। तो पत्रकारों का सवाल होता था, पहले खबर चलाते थे सब कि ओबे टू को पार्टी मिलल रहे तब न जीत गया, अगर बसपा अलग हो गए बाप के जीत गया। हमसे मिलते थे तो कहते थे आपको बसपा से। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी अपनी जीत में दलित मतों का बड़ा योगदान मानते हैं और वो 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। यही वजह है कि अफजाल अंसारी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ना तो बसपा ने उनको निकाला है ना ही वो बसपा को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कहते समय वो मायावती पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की बात टॉप लीडरशिप को माननी पड़ेगी, नहीं तो इसका खामियाजा आगे भी उनको भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है, कांग्रेस पार्टी को लेके समाजवादियों ने जो जलवा दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता को सोचना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने नहीं सोचा तो बहुजन सोच लेगा और वो खुद फैसला लेकर के ऐसी कतार में खड़ा हो जाएगा कि इस देश में संविधान सुरक्षित रह सके। तो गठबंधन के साथियों की कदर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान है इस जीत में। जहां जितने रहे हैं ये वोट जो 1.25 लाख की जीत है, इस वोट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का, माले के लोगों का, आम आदमी पार्टी का, जनाधिकार पार्टी का, ये तमाम पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अफजाल अंसारी ने इस तरीके से बयान दिया और कहीं ना कहीं मायावती को चेतावनी दी। अफजाल अंसारी 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी, जबकि 2024 में उन्होंने सपा से जीत हासिल की है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2027 में यूपी में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। तो अफजाल अंसारी का मानना है कि सरकार बन सकती है और इसी वजह से वो बसपा से अपने को जोड़कर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की जीत में दलित मतों का बड़ा योगदान रहा है। उनका दावा है कि कुछ दलित बस्तियों में उनको 75% तक मत मिले हैं और औसतन दलित बस्तियों के 50% तक मत उनको मिले हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये बात बताई गई थी कि अगर दलित उनको वोट करता है तो परिणाम उनके पक्ष में होगा और उन्होंने दलित वोट बैंक पर पूरा फोकस किया और परिणाम सकारात्मक रहा। अफजाल अंसारी के बसपा प्रेम और मायावती के विरोध को इसी बात से समझा जा सकता है कि अफजाल अंसारी 2027 की विधानसभा चुनाव में भी उन दलित मतों को खिसकने नहीं देना चाहते जो उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले हैं। इस पर हमारे न्यूज रूम के तमाम सहयोगी क्या कुछ कहते हैं, देखिए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब लड़ाई और भी ज़्यादा मुझे लगता है रोचक होने वाली है, ये जो सियासी जंग है, क्योंकि 80 सीटों पर प्रदेश में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 80 सीटों पर हुआ और वाकई में भाजपा को अब की बार बड़ा झटका लगा। 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार 33 पर सिमट जाती है और मोटे तौर पर 29 सीटों का नुकसान होता है और यहाँ पर 29 से भी बढ़कर 32 सीटें समाजवादी पार्टी और ज़्यादा लेकर आती है। 5 सीटें जहाँ 19 में मिलती है वो बढ़कर 5 से 37 हो जाती है। अब लगातार मायावती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी खुले तौर पर अब यहाँ न्योता एक बार फिर से मायावती को दिया है कि आप हमारे साथ आइए, और जो पूरा बयान मैंने उनका पढ़ा प्रमोद तिवारी का, कहते नजर आए कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से 16 सीटों पर मोटे तौर पर गठबंधन को नुकसान हुआ, यानी कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ती तो 16 सीटें तो निश्चित थी भाजपा की और हारनी, और 17 पर यानी अगर देखा जाए, गणित लगाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिमट करके रह जाती। कहेंगे जीत मिले, लेकिन क्या बसपा एक बार फिर सपा के साथ में आती हुई नजर आई, क्योंकि देखिए शालिनी, अगर हम
2024 और 22 की बात करें तो अकेले दम पर मायावती लड़ने की बात तो करती हैं, लेकिन विधानसभा में उनको एक सीट मिलती है। 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें उनको एक भी सीट नहीं मिलती। 2019 में जब सपा के साथ जाती हैं तो उनको तकरीबन 10 सीटें उनके हिस्से में आई थी। तो ऐसे में अब उनको समझना पड़ेगा राजनीति किस तरह की करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सिर्फ वो वोट काटने वाली कह सकते हैं जो पार्टी है वो बनकर रह जाती है। आप देखिए 16 सीट ऐसी रही जिस पर सीधे तौर पर मायावती ने इंडिया गठबंधन को हार दिलाई और बीजेपी को जीत दिलाई। तो ऐसे में अब मायावती को इस भूमिका से बाहर निकलना पड़ेगा अगर उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। तो देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी जो हैं वो इस बात के संकेत पहले भी दे चुके हैं। जब उन्होंने बीएसपी से अलग हुए थे तब भी वो एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहते नजर आए थे कि ना मैं बीएसपी ने मुझे छोड़ा है ना ही मैंने बीएसपी को छोड़ा है। मतलब वो साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं बात अगर करी जाए मायावती की तो कहीं ना कहीं मायावती जो है वो एक इज्जत यहां पर देती नजर आती है अफजल अंसारी के लिए, और कहीं ना कहीं अफजल अंसारी पूरी कोशिश करते नजर आएंगे कि अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन देखने को मिले। और अगर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव यहां पर जीतना है इस गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए, तो देखिए एक साथ आना जरूरी है क्योंकि यहां पर लोकसभा के इन चुनावों में कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी गलती कर चुका है जो उन्होंने यहां पर मायावती को नहीं मनाया, क्योंकि मायावती ने यहां पर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। अगर ये सीटें 20 सीटें यहां पर जाती दिखाई देती इंडिया गठबंधन के खाते में तो शायद यहां बहुत आसानी के साथ सरकार यहां पर इंडिया गठबंधन की बनती दिखाई देती उत्तर प्रदेश में। सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो अफजल अंसारी 2027 में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। मायावती पर अफजल अंसारी तंज क्यों कर रहे हैं इस बात को भी समझना यहां जरूरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन नहीं हो पाता है तब भी दलित मतों की बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने वाली है। अफजल अंसारी इशारों में मायावती पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बसपा के टॉप लीडरशिप को सोचना होगा, नहीं तो दलित समाज खुद सोच लेगा। ऐसा कर वो दलित वोट बैंक की सिंपथी बटोर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको वोट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफजल अंसारी बसपा में रहे हैं और गाजीपुर में दलित वोट में उनकी गहरी पैठ है, ये लोकसभा चुनाव में साबित भी हो चुका है। अब उनका प्रयास है कि पूरे प्रदेश में इसी समीकरण पर काम हो और सपा बसपा का गठबंधन ना हो तब भी अपने वो दलित जो दलित वोट बैंक है सब अपने हिस्से में डाल सके, हितैषी साबित कर सके। अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, मुख्तार अंसारी की मौत जरूर हो चुकी है लेकिन अभी अफजल अंसारी पर जहां एक तरफ हाई कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है वहीं वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि योगी सरकार की नजर एक बार फिर अंसारी परिवार के ऊपर टेढ़ी हो सकती है। दरअसल अफजल अंसारी को पूरा भरोसा था कि 2024 में देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पर ऐसा नहीं हो सका और अब उनकी नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर है। उनके बयानों से साफ है कि उनका प्रयास होगा कि सपा बसपा का गठबंधन हो और सरकार बने, लेकिन किसी वजह से गठबंधन ना हो सके तब भी बसपा के वोट बैंक को वो अपने पाले में कर सके। जिस प्रकार से अफजल अंसारी तमाम वादे करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मायावती सपा के साथ हो जाती है, इंडिया गठबंधन के साथ हो जाती है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी और एक बार फिर से यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे सकती है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।